हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 3rd of July 2020। तो 3 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे आज हम पूरा हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस एडिटोरियल्स और न्यूज़ एनालिसिस दोनों साथ में ही देखेंगे। अब कल मैंने आप लोग को अनाउंसमेंट किया था कि हम सारा कंप्लीट एक साथ अब देखें करेंगे, जो हमारी मेन USP है उसके साथ हम स्टिक करेंगे एंड वी विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर एनालिसिस इन वन गो। ओके, सो दोज हु वांट टू जॉइन द UPSC प्रीलिम्स जो रिवीजन सीरीज, अगर आपको ज्वाइन करनी है यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। अभी तक 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उसमें, तो वीडियोज आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं। अभी भी जो ज्वाइन करेगा वो पुराने वीडियोस भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा पुराने या मिस्ड हो जाएगा, है ना। यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा एंड डू शेयर इट ऑल्सो। लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो, और हमारे टेलीग्राम चैनल की इंस्टाग्राम पेज की लिंक नीचे दी है तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतनी बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सिटीजनशिप इज अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सिटीजनशिप जो आता है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दस इट इज अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी चीज, सिटीजनशिप कहीं भी डिफाइंड ऐसे नहीं है स्पेसिफिक कि ये है सिटीजन, ये सिटीजन होता है ना। उसके अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग क्राइटेरियाज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है, इसलिए डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज क्वालिटी अननोन, द इनविजिबल वाटर क्राइसिस इज अ रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा ये क्वालिटी अननोन, द इनविजिबल वाटर क्राइसिस रिपोर्ट, इनमें से कौन निकालता है, निकाला है किसने रिसेंटली। ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड बैंक, बी UN वाटर, सी UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, या डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक निकाला है ये क्वालिटी अननोन, द इनविजिबल वाटर क्राइसिस। थर्ड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इपॉक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है इन फॉलोइंग इपॉक्स को। ऑप्शंस आर फर्स्ट इज मियोसीन, देन प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन, इनको अरेंज करना है। तो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4, ये उसी ऑर्डर में ही अरेंज है। तो डी विल बी द आंसर, आई थिंक डी विल बी द आंसर, यस। एंड अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये टेलीस्कोप दिया है और उसमें कंट्री का नाम दिया, तो आपको बताना है करेक्टली मैच्ड है या नहीं। ग्रोथ टेलीस्कोप इंडिया, केपलर टेलीस्कोप USA, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बोथ, 1 एंड 2। तो ग्रोथ जो है अभी रिसेंटली न्यूज में था, बता देता हूं मैं, ग्रोथ इज इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप एंड द फर्स्ट वन डिजाइंड टू ऑब्जर्व डायनामिक और ट्रांजिएंट इवेंट्स इन द यूनिवर्स, हैज स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द स्काइज। तो ग्रोथ टेलीस्कोप इंडिया का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है और ये जो है हेनले लद्दाख में लोकेटेड है। ओके, याद रखिएगा दिस टेलीस्कोप इज लोकेटेड एट द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले लद्दाख, तो हेनले लद्दाख में ये लोकेटेड है, और केपलर जो है आपका USA का है, तो ये तो आप आराम से याद ही रख सकते हैं। सो दीज वर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, 4 क्वेश्चंस थे आज के जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इन क्वेश्चंस के थ्रू भी। लेट स्टार्ट द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। पहली जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स 33 न्यू फाइटर जेट्स इन डील वर्थ ₹38,900 करोड़। हुआ क्या है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किए 33 न्यू फाइटर जेट्स की डील, एंड रशिया के साथ उन्होंने ये सारी डील जो है वो की है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रशिया के साथ हम दोबारा अपने डिफेंस टाइज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, सो दैट इज़ द थिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अप्रूवल होता है, जैसे ये नया जो एक्विजिशन होता है, जो न्यू एक्विजिशंस होते हैं ना डिफेंस मिनिस्टर के, जैसे अभी हम 33 न्यू फाइटर जेट्स लेने वाले हैं और जो चीज़ें हैं लेंगे कुछ, तो ये जो अप्रूवल होता है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा किया जाता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा किया जाता है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है, उसको हेड करता है डिफेंस मिनिस्टर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC ने पूछा हुआ है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन हेड करता है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डिफेंस मिनिस्टर। एक और इंपॉर्टेंट कमेटी रहती है जिसके बारे में UPSC पूछ सकता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड
करता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, याद रखिएगा, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को हेड करता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑलरेडी पूछा हुआ है, इसलिए हो सकता है इस बार कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी पूछ ले, तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोक्योरमेंट होगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में क्या क्या होगा, 21 MiG-29 फाइटर जेट्स होंगे, देन अपग्रेडेड 59 MiG-29, एक्वायरमेंट ऑफ 12 SU-30 MKI एयरक्राफ्ट, ये सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लेंगे हम लोग। और ये डिसीजन जो अप्रूवल का है वो अभी विक्ट्री डे परेड जो हुई थी, 75th विक्ट्री डे था ना जर्मनी के ऊपर विजय जो अर्जित की थी रशिया ने वर्ल्ड वॉर टू में, तो उसकी परेड के बाद ये डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एट एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 7,418 करोड़, 21 MiG-29 फाइटर जेट्स एंड 15 existing जेट्स विल बी अपग्रेडेड। फिर 10,730 करोड़ के हॉल विल बिल्ड 12 Sukhoi-30 MKI, तो हॉल जो रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो रहेगा वो बनाएगा लगभग 12 Sukhoi-30 MKI एयरक्राफ्ट बनाएगा, एंड ये इंडिजिनस एक प्रोजेक्ट भी रहेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिजिनसली हॉल बनाएगा इसको। देन कुछ डील्स है जिसमें पिनाका जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑल वेदर है, इनडायरेक्ट फायर, फ्री फ्लाइट आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, ये चीज़ें भी इंक्लूड की जाएंगी। देन डील्स विल इंक्लूड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम जो कि 1000 किलोमीटर रेंज की रखता है, एंड अस्त्र क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास ऑफ एयर टू एयर मिसाइल, याद रखिएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये अस्त्र आपकी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट है, अस्त्र क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज VBR, मतलब दिखने की रेंज के बाद, बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास ऑफ एयर टू एयर मिसाइल फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये कुछ डील का हिस्सा है, ये चीजें जो है इंक्लूड की जाएंगी। अगली जो यहां पे न्यूज है वो ये है, देखो, इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक लॉन्च्ड इन कैपिटल, सो इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हैज बीन लॉन्च्ड इन कैपिटल, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड दिस इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। आपको पता ही, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ न्यूज़ है, इंडियन की जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक, ILBS हॉस्पिटल, ये याद रखिएगा, बाइलियरी सर्विसेज वाला हॉस्पिटल, लिवर बाइलियरी सर्विसेज वाला हॉस्पिटल है, तो याद रखिएगा, ये वसंत कुंज में है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर पहला इंडिया का प्लाज्मा बैंक सेटअप किया गया है, ILBS हॉस्पिटल वसंत कुंज न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। इंडिया लूजेस ज्यूरिसडिक्शन ओवर इटालियन मरीन केस, तो इंडिया ने अपना ज्यूरिसडिक्शन लूज कर दिया इटालियन मरीन केस। हुआ क्या था कि साल्वाटोर जिरोनी एंड मसीमिलियानो लटोरे, ये दो इटालियंस थे जिन्होंने की गोली चला दी थी हमारे फिशरमैन पे और उनकी हत्या कर दी थी, ये सोच करके कि वो पायरेट्स हैं। अब अभी तक क्या था, इंडिया ये डिमांड कर रहा था कि ये बेसिकली जो केस है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट द्वारा हैंडल किया जाए, बट ये ज्यूरिसडिक्शन हम लूज़ कर गए और ये डिसीजन हुआ है कि ये जो केस है वो इटालियन सॉइल पे ही देखा जाएगा, ना कि इंडियन सॉइल पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बॉडी का नाम था जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA, आपको देखना है कि ये क्या है जिसने कि ये फैसला लिया है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कौन है, तो याद रखिएगा 1899 में ये बना था, 1899 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बनाया गया था टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, डिस्प्यूट्स ऑफ द स्टेट्स को सॉल्व करने के लिए, दो स्टेट्स के बीच में सॉल्व करने के लिए 1899 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एंड इट हैज डेवलप्ड इनटू अ मॉडर्न मल्टी फेसेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन परफेक्टली सिचुएटेड टू मीट द इवॉल्विंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है, PCA को 1899 में बनाया गया था। Established by the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, concluded at the Hague in 1899. तो कौन सा convention था? It was the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, जो कि Hague में हुआ था 1899 में, during the first Hague Peace Conference. तो पहली Hague Peace Conference जो थी, उस समय इसको establish किया गया था, Convention for the Pacific Settlement of International Disputes में, और इसको convene किया गया था at the इनिशिएटिव ऑफ ज़ार निकोलस II ऑफ रशिया, तो ज़ार निकोलस II जो था रशिया का, उसके द्वारा इसको कन्वीन किया गया था।
याद रखने वाली बात यह कि पीसीए जो है कोई कोर्ट नहीं होता, इट्स नॉट अ कोर्ट इन ट्रेडिशनल सेंस, लेकिन ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि दे आर नॉट अ कोर्ट इन द ट्रेडिशनल सेंस। याद रखिएगा, ये कोई कोर्ट नहीं होता ट्रेडिशनल सेंस में, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने के लिए आर्बिट्रल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर अगर देखें तो पीसीए का जो है थ्री पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जो कि ओवरसी करती है पॉलिसीज एंड बजट्स को, सो देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल विच ओवरसीज इट्स पॉलिसीज एंड बजट्स। देन देयर इज अ पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रल्स जिनको मेंबर्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। एंड द थर्ड इज द सेक्रेटेरिएट नोन एज द इंटरनेशनल ब्यूरो। तो तीसरा जो पार्ट है वो इंटरनेशनल ब्यूरो है, दूसरा पार्ट है जो पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स हैं यानी कि जो मेंबर्स ऑफ द कोर्ट हैं, और पहला पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो कि पॉलिसीज इनका बनाने का काम करती है। सो बेसिकली दिस वाज एन इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम, और एक नई बॉडी के बारे में आपको पता चला होगा जो कि है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। फ्रंट पेज की अगली न्यूज है, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना डिप्स टू $48.66 बिलियन। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो डिप कर गया है टू $48.66 बिलियन। अब That is again a very good thing, बहुत अच्छी बात है ये। अब हुआ क्यों है, क्यों ऐसा डिप देखने को मिला है, जो कि अभी ट्रेड डेफिसिट $70 बिलियन के आसपास चल रहा था, वो अचानक से ऐसे कम कैसे हो गया? तो इसका रीज़न ये है कि हमने जो इम्पोर्ट्स हैं वो डिक्रीज कर दिए हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद रखना कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है FDI जो आता था चाइना से इंडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा घटा है। पहले वो $229 मिलियन के आसपास था, अब वो घट करके $163.78 मिलियन रह गया है। अब ये रूल क्यों हुआ है, क्यों FDI क्यों घटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि चाइना से इंडिया में जो आ रहा है तो FDI वो घटा क्यों है, तो क्योंकि अभी रिसेंटली हमने FDI पॉलिसी को अमेंड किया था और ये कहा था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि किसी भी ऐसी कंट्री से आ रहा है जो कि अपना बॉर्डर शेयर करता है विद, इसमें इंडिया लिख दिया लेकिन चाइना होगा, कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है विद चाइना, दे कैन इन्वेस्ट इन एनी सेक्टर ओनली आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही FDI ऐसी कंट्री से आ सकता है। इस कारण से जो FDI था चाइना से आने वाला वो बहुत ज्यादा घट गया है, $229 मिलियन से घट करके वो $163.78 मिलियन रह गया है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स फ्रॉम दिस पेज, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे है राजस्थान टू स्पीड अप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर्स। तो राजस्थान के जो CM है अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग लाने के लिए वो कुछ अलग से बेसिकली पैरामीटर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जब आई गया तो बताता हूँ, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, इंडिया की जो रैंकिंग थी लेटेस्ट वो 63 थी। ओके, इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग थी वो 63 रेटिंग थी 2019 में। इसमें 10 पैरामीटर्स है जो कि देखे जाते हैं, वो 10 पैरामीटर्स कौन कौन से, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट 1, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी 2, स्टार्टिंग अ बिजनेस 3, रजिस्टरिंग अ प्रॉपर्टी 4, पेइंग टैक्सेस 5, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर 6, गेटिंग क्रेडिट 7, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर 8, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 9 एंड डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स 10। तो ये 10 पैरामीटर्स है जिनको की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में देखा जाता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। 2019 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो, इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 63 थी। न्यूजीलैंड ने टॉप किया था, जो रेटिंग थी उसको न्यूजीलैंड ने टॉप किया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। एडिटोरियल हम पूरे एक साथ अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो बैनिंग ऑफ चाइनीज ऐप्स को, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं रविशंकर प्रसाद, उनका ये कहना है कि एक डिजिटल स्ट्राइक है, इट्स अ डिजिटल स्ट्राइक ऑन चाइना जो कि हमने की है। तो आप ये टर्म यूज़ कर सकते हैं बेसिकली डिजिटल स्ट्राइक का, चाइनीज ऐप्स को बैन करना, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल स्ट्राइक। सी रंगराजन गेट्स महालनोबिस अवार्ड। तो सी रंगराजन को महालनोबिस अवार्ड प्रदान किया गया है। सो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है सी रंगराजन, उनको PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को बनाने में उनका जो भी रिकमेंडेशन था वो सब देख करके उनको PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फॉर दैट। तो उन्होंने जब ये अवार्ड लिया तो उन्होंने ये कहा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उसको सून स्टैट्यूटरी बनाया जाएगा, ऐसा सी रंगराजन ने कहा। तो अब देख लेते हैं आपकी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है क्या।
तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बेसिकली एक रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई थी, जो कि रेजोल्यूशन आया था 1 जून 2005 को और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2006 में। याद रखिएगा 12 जुलाई 2006 को फाइनली ये बॉडी बनाई गई थी 2006 में। रेजोल्यूशन 2005 में आ गया था, बनाया गया था 2006 में इस बॉडी को। एंड बेसिकली ये बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन ओनली। तो सी रंगराजन कमीशन ही थी जिसने कि रिव्यू किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को 2001 में और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का। तो तब जाके 2006 में ये बॉडी बनाई गई। एनएससी में 4 मेंबर्स रहते हैं बिसाइड अ चेयरपर्सन, तो एक चेयरपर्सन रहता है, 4 और मेंबर्स रहते हैं जिनका स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस रहता है इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि इस बॉडी को जल्दी ही स्टैट्यूटरी बनाया जाए, क्योंकि अभी रेजोल्यूशन के थ्रू बना है, ऑटोनॉमस बॉडी है, रेजोल्यूशन के थ्रू बना है, लेकिन इसको जब आप स्टैट्यूटरी बना देंगे तो इसमें ज़्यादा इसको पावर मिल जाएगी, ऐसा इनका मानना था। CPWD ends ban on the use of timber in its building. अब हुआ क्या है कि Central Public Works Department in this week has ended a ban that was in place since 1993. सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक बैन लगाया था 1993 में कि वो टिम्बर का यूज़ नहीं करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, वो टिम्बर का यूज़ नहीं करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। लेकिन अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस बार बैन को लिफ्ट करने के लिए कह दिया है, ताकि इकॉनमी को बूस्ट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो सके और फार्मर्स और ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये 1993 का बैन था जो कि अब ये लिफ्ट किया गया है, तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बिड टू टर्न शिवालिक फॉरेस्ट इंटू टाइगर रिजर्व, अब ये कोशिश की जा रही है कि शिवालिक फॉरेस्ट जो रेंज है उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जाए। इसके अंदर 2-3 नेशनल पार्क आते हैं, जैसे कि राजा जी आता है, राजा जी आपका उत्तराखंड वाले रीजन में आएगा, है ना, उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में रहता है ये राजा जी। कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में ही आता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दुधवा आपका यूपी वाले रीजन में आता है, तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का जो रीजन है जहाँ पर कि ये शिवालिक रेंजेस आती हैं, शिवालिक फॉरेस्ट रेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे उनको कन्वर्ट करने की कोशिश बेसिकली की जा रही है इनटू अ टाइगर रिजर्व। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज अनदर न्यूज़ विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो चाइना अपोजेज यूकेज सिटीजनशिप ऑफर, अब चाइना ने यूके को बिल्कुल समझाइश दी है, वार्निंग दी है कि जो आप ऑफर कर रहे हो, क्या ऑफर कर रहे हो। तो लंदन ने बेसिकली अभी डिसीजन दिया था कि दे आर एक्सटेंडिंग अ ब्रॉडर पाथ टू सिटीजनशिप फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ हांगकांग। हांगकांग के जो रेसिडेंट्स हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा था चाइना के अगेंस्ट बहुत ज्यादा, और चाइना ने नया सिक्योरिटी लॉ बना दिया था हांगकांग में। हांगकांग जो है वो वन नेशन टू सिस्टम के सिस्टम पे बेस वर्क करता है, लेकिन अब उनका वो वाला सिस्टम भी खत्म कर रहा था चाइना, इस कारण से वो अपोज कर रहे थे और लंदन बोल रहा था ठीक है आओ हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। क्यों ऐसा हुआ कि ब्रिटेन ने ही, यूके ने ही आगे आके ऐसा कहा? क्योंकि हांगकांग जो थी इट वाज अंडर यूकेस ज्यूरिसडिक्शन अंटिल इट वाज हैंडेड ओवर टू चाइना इन 1997। तो हांगकांग जो था ये यूके के ज्यूरिसडिक्शन में आता था 1997 तक, और 1997 में चाइना को सौंप दिया गया था विद द गारंटी दैट बीजिंग वुड प्रिजर्व द सिटीज जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी फॉर 50 ईयर्स। ये गारंटी के साथ कि जो ये हांगकांग की सिटी है उसकी जुडिशियल और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी 50 सालों तक आप बरकरार रखेंगे, ये शर्त लगाई रखी गई थी, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है और अब इसका काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जा रहा है, एंड दैट वाज द रीज़न फॉर दैट। ओके, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला इस न्यूज़ आइटम से भी, अच्छी बात लिखी हुई थी। एंड यूके वाला जो सिस्टम था 50 सालों की वो शर्त वाला था वो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है ना। तो दैट वाज अनदर वेरी गुड थिंग विच वी लर्न फ्रॉम हियर। और यहाँ पे ये स्कीम आप सबको पता है, याद रखा है, इस स्कीम का नाम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अगर आपसे कोई पूछे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है, तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए स्कीम है जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। 3 लाख करोड़ रुपीस फॉर द एमएसएमई सेक्टर्स, इनको देने की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब हुआ क्या है बेसिकली कि जो कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन है उसने अर्ज किया है सेंटर टू डेवलप उद्योग सेतु अ मोबाइल एप्लीकेशन सिमिलर टू आरोग्य सेतु टू बेल आउट द एमएसएमई दैट हैव बीन बैडली हिट बाय द कोविड-19। तो इनका सीआईए ने कि कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन का ये कहना है कि आप उद्योग सेतु नाम का एक ऐप बनाइए ऑन द लाइन्स ऑफ आरोग्य सेतु, ताकि जो एमएसएमईज हिट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 उनको बाहर रिलीफ दिया जा सके, उनको रिट्रीव किया जा सके। तो ये
बेसिकली बात की जा रही है फॉर देम, है ना। और ये है एसेंशियल क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, याद रखिएगा 3 लाख करोड़ रुपए जो एमएसएमई को देने की बात की जा रही है। सो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, तो खादी फुटवेयर कुड कंफर्ट इट्स मेकर्स एंड यूजर्स। तो खादी फुटवेयर को प्रमोट किया जा रहा है वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है केवीआईसी, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, रिवीजन सीरीज में भी मैंने आपको पढ़ाया था। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं तो केवीआईसी, या जो लोग नहीं भी किए तो डेमो में ही मैंने केवीआईसी के बारे में बताया था। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन पुश कर रहा है आगरा को, आगरा शू मैन्युफैक्चरर्स को, टू ट्राई खादी एज एन अल्टरनेटिव टू नेचुरल एंड सिंथेटिक लेदर। तो नेचुरल और सिंथेटिक लेदर का एक अल्टरनेटिव की तरह खादी को यूज करने की बात की जा रही है। केवीआईसी की बात करें तो केवीआईसी बेसिकली जो है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 1957 में बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक एक्ट था केवीआईसी एक्ट ऑफ 1956, उसके हिसाब से 1957 बनी। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में आता है केवीआईसी, ये भी याद रखना है। और इसका मेन क्या काम है, टू प्लान प्रमोट एंड फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट, प्लान प्रमोट फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना इसका मेन काम है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दीज वर द न्यूज एनालिसिस पार्ट, जो कि न्यूज एनालिसिस में ये सारी चीजें थी आज के। एडिटोरियल एनालिसिस में आ जाते हैं, देखते हैं एडिटोरियल्स में क्या है। एक क्वेश्चन पहले मेंस के हिसाब से मैंने आपको दिया है, उस क्वेश्चन को करिएगा। रिसेंट इवेंट्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी इंडिकेट दैट इंडिया सीरियसली नीड्स एन एंटी टॉर्चर लॉ, कमेंट क्रिटिकली एनालाइज। ओके, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। रिसेंट इवेंट्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी इंडिकेट दैट इंडिया सीरियसली नीड्स एन एंटी टॉर्चर लॉ, यू हैव टू कमेंट ऑन दैट। तो पहला आर्टिकल इसी के ऊपर है, इंडिया टॉर्चर कल्चर नीड्स टू एंड नाउ। तो अभी बेसिकली दो लोगों की आप सबको पता है कि लॉकडाउन में दुकान खोलने के कारण उनको अरेस्ट किया गया, फिर उनकी जहां पे उनको केवल मैक्सिमम 3 महीने की सजा हो सकती थी वहां पे उनको जान से हाथ धोना पड़ा और पुलिस उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई, इस कारण से ये आर्टिकल लिखा गया है। अब ऑथर ने बोला है सबसे पहले कि यहाँ इंटरनेशनल एक कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एक कन्वेंशन है ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्वेंशन के पहले भी कई बार टॉर्चर के अगेंस्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने टॉर्चर के अगेंस्ट इस कन्वेंशन के पहले भी कई बार बोला है। इसके एविडेंसेस पहले ऑथर ने दिए हैं। तो पहला है रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस 1980, जिसमें कोर्ट ने कहा था दे आर डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द डायबोलिकल रिकरेंस ऑफ पुलिस टॉर्चर। तो पुलिस टॉर्चर की बात रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1980 केस में उन्होंने ऑलरेडी की हुई है। उसके बाद उन्होंने 1981 का केस था फ्रांसिस कोरेली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981 केस, देन शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987 केस। इन सब केसेस में कोर्ट कंडेम्ड द क्रुएलिटी एंड टॉर्चर ऑफ पुलिस एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। इन सारे केसेस में जो कोर्ट है उसने कंडेम किया कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी है, क्रुएलिटी है, जो टॉर्चर है, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का ये वायलेशन करता है। The interpretation of Article 21 is consistent with the principles contained in the UNCAT. जो Article 21 के principles हैं वो in line है with the United Nations Convention Against Torture. तो United Nations Convention Against Torture जो है basically it prevents torture and other acts of cruel, inhuman and degrading treatment. तो ये protect करता है individual को from any torture, cruel, inhuman or degrading treatment. ठीक है ना। अब क्या इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन किया है? तो यस, 1997 में उन्होंने साइन कर दिया है। क्या हमने रेटिफाई किया है? नो, वी हैवंट रेटिफाइड इट येट। सो वी हैव साइन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर इन 1997, बट स्टिल टुडे आफ्टर 23 ईयर्स वी हैवंट रेटिफाइड इट। ओके, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा लॉ कमीशन ने भी 2017 में एक क्या किया, एक ड्राफ्ट लॉ बनाया, एंटी टॉर्चर लॉ बनाया ड्राफ्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम उनको मैंडेमस के थ्रू, मैंडेमस एक रिट होती है कि आप मैंडेट करते हो किसी को, तो उन्होंने बोला कि हम मैंडेमस के थ्रू गवर्नमेंट को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एक लॉ में रेटिफाई करो या एक लॉ इस तरीके से पास करो, ये लेजिस्लेचर का काम है, उन्हीं को करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कारण से इसको नहीं लाने दिया। ठीक है ना।
तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि कमीशन का जो ड्राफ्ट बिल था, यानी कि जो लॉ कमीशन का ड्राफ्ट बिल था, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ नॉट हैविंग अ लॉ एट ऑल। तो ये कोई लॉ ना रहे, इससे अच्छा तो यही ना कि एक कमीशन का जो लॉ है भले थोड़ा वीक ही हो उसको ला दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली बात है। ऑथर ने एंड में ये बोला है कि ओनली पीपल कैन रेज अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस। अब ये काम लोगों को ही करना पड़ेगा कि वो इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट खड़े हों। एंड बेसिकली उन्होंने सिविल सोसाइटी, बार, मीडिया एंड स्टूडेंट ग्रुप्स को ये कहा है कि आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इन लॉ को ला सकते हैं। तो एंटी टॉर्चर लॉ की जरूरत बहुत ज़्यादा है एंड पुलिसिंग में रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि कस्टोडियल डेथ और ये जो टॉर्चर है इसके कल्चर को बंद किया जा सके। दूसरा आर्टिकल है कोर्स कॉन्ट्रैक्शन। अब ये आर्टिकल लिखा गया है कोर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अभी आप सबको पता है कि कोर सेक्टर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्पेशली स्टील जो है वो 48% का स्लम देखने को मिला है, सीमेंट में 22.2% का स्लम देखने को मिला है। इसके अलावा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है वो कोर सेक्टर का सबसे अधिक बड़ा हिस्सा है, 28% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अपना परचेजिंग सॉरी IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो आता है IIP में, इनका आउट ऑफ दिस कोर सेक्टर इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये भी 21% कॉन्ट्रैक्ट की गई, ठीक है ना। एंड इसमें डिमांड क्यों कम हुई, बिकॉज ऑफ वेहिकुलर मूवमेंट काफ़ी कम रहा, ऑटोमोबाइल फ्यूल्स के कम मूवमेंट के कारण। देन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जो थे वो भी स्लम करते गए, नीचे गिरते गए। कोल प्रोडक्शन ऑल्सो फेल फॉर द सेकेंड स्ट्रेट मंथ, कोल प्रोडक्शन भी हमारा डिक्रीज हुआ। एंड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा नेशन वाइज घटी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड ऑल, फैक्ट्रीज बंद रही इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी घटी। तो हमने ये 7 सेक्टर में देख लिया जो घटे हुए थे, है ना। आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी फेल किया बाय 15.6%। केवल एकमात्र सेक्टर था जो अच्छा काम किया, वो था फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो ओनली द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाज वर्किंग फाइन इन द COVID-19 लॉकडाउन फेज। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं कि केवल ओनली इकोनॉमिक ग्रीन शूट वाज द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो यहां पे ये ओवरऑल एक एनालिसिस था ऑफ द कोर सेक्टर्स जो कि हमने यहां पे देख लिया। अगला जो आर्टिकल है, मेन आर्टिकल सेकंड लीड जो रहता है वो है इन एन अनसर्टेन वर्ड अ सीट एट द ग्लोबल हाई टेबल। अब ये आर्टिकल लिखा गया है फॉर इंडिया गेटिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2 ईयर नॉन परमानेंट सीट। अब आप सबको पता है कि इंडिया को 2 साल के लिए नॉन परमानेंट सीट मिली, जो कि 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा, टाइम पीरियड इसका 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। याद रखिएगा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 का इलेक्शन पहले होता है फिर 5 का बाद में होता है। अभी जो 5 का इलेक्शन हुआ उसमें इंडिया को सीट मिली, इंडिया को भी किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 2/3 वोट्स की जरूरत पड़ती है, 2/3 वोट्स की जरूरत पड़ती है। इंडिया को इसलिए पड़ा कि मिल गया क्योंकि इंडिया का कोई अपोजिशन नहीं खड़ा हुआ था, इंडिया को पूरा तरीके से पूरे रीजन ने एक तरीके से इंडोर्स किया था, रीजनल इंडोर्समेंट मिला था। तो इंडिया जो है इट इज़ सर्विंग फॉर द 8th टाइम नाउ, 8वीं बार ये UNSC में नॉन परमानेंट मेंबर की तरह कंट्रीब्यूट करेगा। ऑथर ने ये बोला है द बेसिक कंटेस्ट फॉर द नॉन परमानेंट सीट टेक्स प्लेस इन द रिस्पेक्टिव रीजनल ग्रुप्स इन देयर सब ग्रुप्स। तो रीजनल ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में ये होता है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी वोट्स चाहिए 2/3 वोट्स की इन ऑर्डर टू गेटिंग सेलेक्टेड। रीजनल इंडोर्समेंट क्या होता है, जब पूरे के पूरे रीजन आपको अनअपोज्ड खड़ा कर देता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम कजाकिस्तान ने अपनी सीट का अपना मेंबरशिप हटाया था कजाकिस्तान ने ताकि इंडिया खड़ा हो सके, इस बार अफगानिस्तान ने अपना मेंबरशिप विदड्रॉ कर लिया ताकि इंडिया का रीजनल इंडोर्समेंट हो सके। 192 वोट कास्ट हुए, 184 इंडिया को मिले, इसका मतलब है कि 8 लोग ऐसे हैं, 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है, इसके जो किसने हमारे अगेंस्ट वोट किया वो पता नहीं चलता है। तो ये सीक्रेट होता है मतलब एक तरीके से, और हमको पता नहीं चलेगा कि कौन था जिसने कि हमारे अगेंस्ट वोटिंग की। इंडिया के अलावा जो कंट्री सिलेक्ट हुई वो थी मैक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड एंड केन्या। ये आपको याद रखना है, कनाडा जो था वो आयरलैंड से हार गया था, केन्या जिबूती से जीता था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना, केन्या जिबूती से जीता था, केन्या जो था वो वेस्ट कंट्री का फेवरेट था, जिबूती जो था आपका वो चाइना का फेवरेट था, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात हुई कि केन्या जीता। डिबेट ऑफ द रिफॉर्म ऑफ UNSC जो है उसमें बहुत सारे आइडियाज आ चुके हैं आज तक, लेकिन कोई भी रिफॉर्म तब तक पॉसिबल नहीं जब तक कि 2/3 मेजॉरिटी जनरल असेंबली की और 5 परमानेंट मेंबर्स की मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट ना करे। तो ऑथर का ये कहना है कि कोई भी रिफॉर्म तब तक नहीं आ सकता जब तक कि जनरल असेंबली के 2/3 वोट्स और परमानेंट मेंबर्स के जो 5 मेंबर्स हैं वो एक्सेप्ट ना करें। तो ये ऑथर ने कहा है कि बेसिकली परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो कोई भी चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन को शेयर नहीं करना चाहता है। इंडिया लेकिन अब एंट्री कर गया है,
तो हो सकता है कि वो थोड़ा रिफॉर्म्स के लिए और ज़्यादा पुश करेगा। ऑथर ने लेकिन ये जरूर कहा है कि इंडिया का जो मतलब इंडिया जो एंट्री किया है, हो सकता है इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ जाए, पर रिफॉर्म करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इंडिया विल हैव अ हाई प्रोफाइल फॉर द यूएन फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स। दो सालों तक लिए बहुत हाई प्रोफाइल रहने वाले हैं इंडिया की वो, क्यों? क्योंकि इंडिया एंड जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास भी कलेक्टिव वीटो होता है, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स कैन प्रिवेंट अडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन बाय देमसेल्फ। परमानेंट मेंबर्स तो वो रेजोल्यूशन अपने आप ही रोक सकते हैं, बट दे नीड एटलीस्ट 9 वोट्स टू गेट द रेजोल्यूशन पास्ड। पर कोई रेजोल्यूशन पास करने के लिए उनको 9 वोट की जरूरत पड़ती है। याद रखने वाली बात यह कि रेजोल्यूशन रोक तो वो सकते हैं क्योंकि उनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है। वीटो पावर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को रोकने का पावर। वीटो पावर मतलब किसी भी चीज़ को रोकने का पावर। तो वीटो पावर तो उनके पास है, लेकिन अगर कोई चीज़ पास करनी है तो उनको कम से कम 9 वोट्स की जरूरत पड़ती है फ्रॉम द नॉन परमानेंट साइड एज वेल, मतलब 9 वोट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके कारण कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी भी थोड़ा वैल्यू बनी रहती है। द प्रिकैरियस कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल क्लीनिंग स्टाफ। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये देखो अभी सारी जो बात चलती है वो डॉक्टर्स की चल रही है, चलो पुलिस वालों की भी बात चल रही है, अच्छी बात है, हम सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो कि काम भी कर रहा है और उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, कोई ज़्यादा उसकी बात भी नहीं की जा रही, वो है द क्लीनिंग स्टाफ, द हॉस्पिटल क्लीनिंग स्टाफ, जिनका काम बेसिकली दो तरीकों से पीड़ित रहते हैं ये, क्योंकि एक तो उनका काम बहुत अनस्किल्ड माना जाता है और लगता है कोई भी कोई इस काम को कर लेगा, दूसरी चीज ये कि एक जो कास्ट का स्टिग्मा भी है वो अटैच किया गया है बिकॉज ऑफ दिस वर्क, तो इस काम के साथ एक कास्ट का स्टिग्मा भी अटैच किया जाता है। तो दीज आर द टू मेन इशूज जो कि इस क्लीनिंग स्टाफ के साथ रहते हैं बेसिकली। तो उनकी जो कंडीशन रहती है बहुत ज़्यादा पुअर वर्किंग कंडीशन रहती है, कास्ट प्रेजुडाइसेस भी उनको फेस करना पड़ता है, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, नेबर्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है कि वो उनके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेसिकली आपका COVID-19 भी, ठीक है ना। तो COVID-19 ने बताया है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लीनिनेस का, कितना इंपॉर्टेंस है, एंड क्लीनर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, और उनको ट्रेनिंग देना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है। तीसरी प्रॉब्लम है ये, क्यों ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती? पहला रीज़न है कि क्लीनिंग जो जॉब है दे आर नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इनफ टू वॉरेंट ए स्पेशल ट्रेनिंग, इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता कि इसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़े। सेकेंड, अ क्लीनर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ अ स्वीपर कास्ट हु टुक द जॉब ऑफ क्लीनर वॉज अज्यूम्ड टू Already know what to do. अब एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्लीनर स्टाफ है उसका ये माना जाता है कि उनको बाय बर्थ ये चीजें आती हैं, तो एक तरीके से ये कास्ट प्रेजुडाइस है जो कि उनके साथ अटैच किया जाता है। थर्ड जो रीजन है वो ये है, इन द रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ पैंडेमिक क्लीनर्स मे बी द लास्ट टू लर्न अबाउट इंपॉर्टेंट न्यू प्रोटोकॉल्स। अब ये वाली बात ये है कि उनको ये माना जाता है कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ या दे आर नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड सच अ ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग को समझ नहीं पाएंगे। दैट इज द थिंग विच वॉज सेड फॉर देम। इस कारण से कहा जाता है कि ये जो क्लीनर स्टाफ है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। बट अभी जो टाइम हमने देखा है COVID-19 का, उसके बाद ये समझ में आता है कि इक्विपिंग द क्लीनर्स विद नॉलेज, पहले तो क्लीनर्स को नॉलेज प्रोवाइड करो, उनको बताओ कि किस तरीके से ये वायरस के टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, किस तरह से पीपी किट का यूज करें, ये सारी चीजें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस वॉज सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तीनों हमने एडिटोरियल्स, चारों एडिटोरियल्स देख लिए, पूरा न्यूज एनालिसिस देख लिया, दो क्वेश्चन मैंने मेंस के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन दे दिया और मैंने आपको प्रीलिम्स के हिसाब से भी क्वेश्चन दिया। सो दैट इज इट फॉर द डे। प्लीज कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। एक बार रिविजन कर लेते हैं जल्दी से, क्या क्या देखा हमने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हमने डील्स के बारे में देखा, पहला प्लाज्मा बैंक जो ILBS न्यू दिल्ली में वो देखा, मेराइंस का केस देखा, PCA ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग के बारे में देखा, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट घट रहा है उसके बारे में हमने देखा, देन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के 10 पैरामीटर्स देखे और वर्ल्ड बैंक 63rd रैंक इंडिया की देखी, न्यूजीलैंड की 1st रैंक देखी, टॉर्चर कल्चर के अगेंस्ट जो पूरा एडिटोरियल हमने समझा, देन हमने कोर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखा, UNSC में रिफॉर्म्स के बारे में देखा, एंड लास्ट हमने देखा जो क्लीनिंग स्टाफ थी उसकी प्रिकेरियस वर्किंग कंडीशन के बारे में जाना। इसके अलावा हमने देखा कि डिजिटल स्ट्राइक कैसे हमने की चाइना के ऊपर,
हमने ये देखा कि सी रंगराजन को महलनोबिस अवार्ड दिया गया, देन हमने देखा CPWD ने 1993 का बैन एंड किया है, देन शिवालिक फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है जो कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाले रीजन में आता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि चाइना ने किस तरीके से यूके को फटकार लगाई है फॉर देयर सिटीजनशिप ऑफर, एंड लास्ट हमने और क्या जाना, हमने MSME सेक्टर के बारे में जाना, उसमें जो ECLGLS स्कीम है वो देखा, एंड KVIC के बारे में। सो दैट इज इट फॉर द डे, प्लीज कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।